आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वा क्षेत्र में उदयमान कथावाचक श्री पारस शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण कथा का हवन पूजन के साथ समापन। भागवत पुराण कथा वाचन की पूर्णाहुति पर कथा स्थल पर उमड़ा भक्तजनों का हुजूम। कृष्ण जन्म कृष्ण लीला के बाद आज कथा समापन पर पंडित पारस शास्त्री के मधुर कथा वाचन से लोग हुए मंत्रमुग्ध। बड़वा के श्री कवर कॉलोनी स्थित श्री कवरेश्वर महादेव मंदिर में क्षेत्र के उदयमान भागवत कथावाचक पंडित पारस शास्त्री द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत पुराण कथावाचन का भक्तिमय आरती एवं हवन पूजन के साथ समापन हुआ। कथा समापन पर कथा स्थल पर भक्तजनों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पिछले 3 दिन में पंडित पारस शास्त्री ने कृष्ण जन्म कृष्ण बाल लीला पुतना वध गोवर्धन पूजा का वृत्तांत सुनाया। आज भागवत पुराण कथा का समापन हुआ। क्षेत्र के उदीयमान मधुर कथावाचक पंडित पारस शास्त्री का मंदिर समिति के सदस्य गणों ने शॉल श्रीफल माला से भावभीना स्वागत किया। श्री कवर कॉलोनी के महिला मंडल एवं श्रद्धालुओं ने कहा कि जिस तरह पंडित पारस शास्त्री जी ने अनेक वेद सम्मत उद्धरणों से भागवत पुराण का सरल शैली में कथावाचन किया, उससे ये तय है कि प्रतिभाव की इस पावन भूमि का ये सितारा आध्यात्मिक जगत के नक्षत्र में नाम जरूर रोशन करेगा। पंडित पारस शास्त्री के नाना पंडित श्री रामेश्वर शर्मा ने सपत्नी कथा के सफल आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बड़वाह क्षेत्र के हर क्षेत्र की तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। पंडित पारस शास्त्री ने अपनी पहली भागवत पुराण कथा भगवान कवरेश्वर महादेव को समर्पित की है। इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले भक्तजनों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आजाद न्यूज के लिए बड़वा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।